सब्सक्राइब करिए विदिश कुकिंग को और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर से प्रेस करिए ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करती हूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विदिश कुकिंग। आज मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली बहुत ही टेस्टी ऐसे पिज्ज़ा की रेसिपी। लॉकडाउन है, कहीं बाहर जा नहीं सकते, तो घर पर हम विदाउट ओवन कढ़ाई में इतना टेस्टी चीज़ी पिज़्ज़ा बना करके दिखाएंगे, तो बहुत ही टेस्टी लगेगा। बच्चों का फेवरेट, सबका फेवरेट। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा कैसा लगा वीडियो। तो सबसे पहले यहाँ पे एक बार मैं ले रही हूँ 2 कप मैदा, नॉर्मल जो हमारे पास ऑल पर्पज फ्लावर होता है वही मैं ले रही हूँ 2 कप। उसमें मैं डाल रही हूँ 1 टीस्पून शुगर और उसमें मैं डाल रही हूँ टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। यहाँ पे मैंने करीब 1 से 1.25 टीस्पून नमक लिया है तो वो डाल दूँगी। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1/2 टीस्पून बेकिंग पाउडर और उसी में मैं डाल रही हूँ बेकिंग सोडा जो मैं ले रही हूँ 1/2 टीस्पून। और अब इन सबको हम बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे हम यीस्ट का यूज़ नहीं कर रहे हैं इसीलिए हम इसमें बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा का यूज़ कर रहे हैं। तो इन सारे ड्राई इंग्रेडिएंट को अच्छे से मिला करने के बाद में अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ ऑयल। तो यहाँ पे मैं ले रही हूँ टोटल 2.5 टेबल स्पून ऑयल, मतलब 2.5 टेबल स्पून ऑयल, बहुत ज़्यादा हमें ऑयल की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर मैं ले रही हूँ टोटल 2.5 टेबल स्पून ऑयल और ऑयल डाल दूँगी अच्छे से इसमें। और अब मैं इसको भी बहुत ही अच्छे से एक बार मिक्स कर लूँगी ऑयल को भी। तो यहाँ पे मैं ऑयल को भी बहुत ही अच्छे से एक बार मिक्स कर लेती हूँ। और ऑयल को अच्छे से मिक्स करने के बाद में इसमें हम डालेंगे दही। तो यहाँ पे मैं डाल रही हूँ 1/2 कप घर का बना हुआ दही, बहुत ज़्यादा लिक्विड भी नहीं और बहुत ज़्यादा थिक भी नहीं, इस तरह का कंसिस्टेंसी का हम दही इसमें डालेंगे। दही डालने से ही हमारा जो पिज़्ज़ा है वो बहुत ही अच्छा सा सॉफ्ट और फ्लफ़ी बनेगा। तो यहाँ पे आटा गूंदने में पानी डालने से पहले हम इसमें डाल देंगे दही और दही को अच्छे से मिक्स करते जाएंगे। और उसके बाद में हम थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके इसका एक सॉफ्ट डो लगा देंगे। तो यहाँ पर मैं बहुत ज़्यादा पानी ऐड नहीं कर रही हूँ, यहाँ पर मैंने 1/2 कप जितना पानी लिया था उसमें से भी थोड़ा सा पानी बच गया था। तो आप इसी तरह से थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते जाइए क्योंकि दही से भी स्टिकी स्टिकी हो जाता है। तो ये देखिए मेरा एक सॉफ्ट स्टिकी डो रेडी हो चुका है और इसी तरह का टेक्सचर होना भी चाहिए। तो अब हम इसको इस तरह से उठा करके थोड़ा सा अच्छे से नीड कर लेंगे ताकि हमारा जो डो है वो अच्छे से थोड़ा थोड़ा सॉफ्ट हो जाए और थोड़ा स्टिकीनेस कम हो जाए। तो यहाँ पर देखिए मैं इसमें बहुत ही थोड़ा सा मैं इसमें ऑयल डाल रही हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं, और थोड़ा सा ऑयल डालने के बाद में इसको मैं अच्छे से मसल करके इसको एक स्मूथ डो बना लूँगी कुछ इस तरह का, और एक सॉफ्ट डो रेडी हो जाएगा हमारा। तो ये देखिए 1 से 2 मिनट ही मसलना है, बहुत ज़्यादा नहीं। तो ये देखिए मेरा एक सॉफ्ट डो रेडी हो चुका है। तो अब हम इसको करने रख देंगे रेस्ट, बहुत ज़्यादा रेस्ट नहीं करना है। तो इसमें थोड़ा सा तेल लगा करके इसको हम रेस्ट करने देंगे तब तक जब तक हम इसका सॉस नहीं बना लेते। तो इसको मैं अच्छे से ढक करके रख देती हूँ साइड में और उसके बाद में हम तैयारी करेंगे पिज़्ज़ा सॉस की। तो यहाँ पे मैं इसको साइड में रख देती हूँ ढक करके। और अब यहाँ पे एक पैन में मैंने ऑलरेडी पानी को बॉईल करने रख दिया है मीडियम फ्लेम पे। तो यहाँ पे मैं करीब ले रही हूँ 4 टमाटर, यहाँ पे मैं करीब 4 पिज़्ज़ा बन जाएंगे मीडियम साइज़ का, उतना ही पिज़्ज़ा सॉस बना रही हूँ। तो इसके लिए मैं यहाँ पर ले रही हूँ 4 टमाटर और चारों टमाटर में इस तरह से पीछे की साइड से जो बॉटम साइड होता है वहाँ से इस तरह से क्रॉस साइड मला लेंगे। इससे जब वो ब्लांच होंगे तो बहुत ही आसानी से हम जो है वो छिलके निकाल सकते हैं। तो ये देखिए मैं इसी तरह से चारों टोमेटोस में ऐसे क्रॉस लाइन कर लूँगी। आपको ज़्यादा पिज़्ज़ा बनाना है तो आप ज़्यादा टोमेटो यूज़ कर सकते हैं। तो हमारा पानी हो चुका है बॉईल, तो अब बॉईल हो स्टार्ट हो जाएगा पानी, उसके बाद में ही हम इसमें टमाटर डालेंगे और इसको मीडियम टू हाई फ्लेम पे कुक कर लेंगे जब तक कि आपको पता चलेगा कि छिलके निकल नहीं जा रहे। तो ये देखिए मेरे पानी बहुत ही अच्छे से बॉईल हो चुके हैं टमाटर और आप देख सकते हैं जो स्किन है टमाटो की वो अच्छे से रिमूव होने लग गई है। तो इस स्टेज पे मैं इसको ले लूँगी एक छलनी में और टमाटर को हम कर लेंगे थोड़ा सा ठंडा ताकि हम बहुत आसानी से इसके छिलके निकाल सकें। आप देख सकते हैं कि ऑलरेडी कुछ कुछ के छिलके निकल चुके हैं, परफेक्टली हमारे जो टोमेटोज हैं वो ब्लांच हो चुके हैं। तो इसको मैं इस तरह से एक स्ट्रेनर में निकाल लेती हूँ और सारा पानी इसका स्ट्रेन हो जाएगा, थोड़ा सा इसको ठंडा कर लेंगे। जब ये थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा तब हम इस तरह से उसकी जो स्किन है वो रिमूव कर लेंगे और उसको ले लेंगे हम मिक्सर ग्राइंडर में। बहुत ज़्यादा गर्म हो तब कभी भी ग्राइंड ना करें वरना वो उछलने के चांसेस रहते हैं मिक्सर में से बाहर।
और मिक्सर भी ख़राब हो जाता है। तो जब ये हल्का सा ठंडा हो जाएगा तब मैं इसको ले लूँगी मिक्सर ग्राइंडर में और इसकी हम एक अच्छे से प्योरी बना लेंगे। यहाँ पे मैंने ले लिया है एक पैन, और पैन में मैं ले रही हूँ करीब 1.5 से 2 टेबलस्पून ऑयल। बहुत ज़्यादा ऑयल की ज़रूरत नहीं है, तो इसको मैं कर लूँगी गर्म। और जब ऑयल हमारा गर्म हो जाएगा तब यहाँ पे मैंने 6 से 7 कली लहसुन को एकदम बारीक चॉप करके रखा है, तो वो ले लेंगे और उसको हम अच्छे से सौते कर लेंगे। बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, हल्का सा कुक ही करना है। तो हल्का सा कुक हो जाएगा जब हमारा गार्लिक, तो अब मैं इसमें डाल रही हूँ बारीक चॉप का मीडियम साइज़ का ओनियन जो मैंने एकदम बारीक चॉप करके रखा था। आप अपने सॉस की क्वांटिटी के अकॉर्डिंग प्याज लहसुन टमाटर सबकी क्वांटिटी कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक मीडियम साइज़ का ओनियन बहुत ही बारीक सा चॉप करके ले लिया है, और अब इसमें भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और इसे हमें बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, इसे हमें ट्रांसपेरेंट होने तक ही कुक करना है। जब ओनियन हमारे अच्छे से ट्रांसपेरेंट हो जाएंगे कुछ इस तरह के, तब हमने जो टोमेटो की प्योरी बनाई थी वो इसमें डाल देंगे। और सारी टोमेटो की प्योरी डालने के बाद में इसको मैं एक बार अच्छे से मिक्स कर लूँगी। और जब भी हम टमाटर डालते हैं कुक करने के लिए तो सबसे पहले इंग्रेडिएंट जो डालते हैं वो है नमक, ताकि हमारा टमाटर जो है बहुत ही जल्दी से कुक हो जाए। तो इसलिए मैं इसमें डाल रही हूँ टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, और इसको भी हम बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अच्छे से मिक्स करने के बाद में अब हमें इसको अच्छे से कुक करना है, तो उसके लिए मैं ढक करके इसके लो टू मीडियम फ्लेम पर कुक करने रख दूँगी जब तक कि ये थोड़ा सा ऑयल रिलीज़ नहीं करता और थोड़ी सी थिक नहीं हो जाती ग्रेवी। तो ये देखिए हमारा जो टमाटर हैं वो बहुत ही अच्छे से कुक हो चुके हैं। आप देख सकते हैं ग्रेवी का कलर भी चेंज हो चुका है, ऑयल भी रिलीज़ कर दिया है ग्रेवी ने। तो इस टाइम पर मैं डाली हूँ 1 टीस्पून ऑरेगानो, 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स और 1/8 टीस्पून जितना मैं डाली हूँ अजवाइन। इससे बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आता है। इन सबको भी हम बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप ये सारे मसाले भी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं, चिली फ्लेक्स भी कम ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आप बच्चों को दे रहे हैं तो थोड़ी सी कम भी डाल सकते हैं। और अब मैं इसमें डाली हूँ 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च, जो बहुत ज़्यादा तीखी नहीं होती, पर उससे जो हमारा जो ग्रेवी का कलर है वो बहुत ही अच्छे से एनहांस हो जाएगा और बहुत ही अच्छा सा लुक दे देगा। तो इसलिए मैं 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च डाली हूँ, उसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। और अच्छे से मिक्स करने के बाद में अब मैं इसमें डाल रही हूँ शुगर, 1 टीस्पून के करीब मैं इसमें डाल रही हूँ शुगर, और 1 से 1.5 टेबल स्पून जितना मैं इसमें डाली हूँ टोमेटो केचप। ये पिज़्ज़ा सॉस हमेशा खट्टा मीठा ही अच्छा लगता है, तो इसलिए मैं इसमें थोड़ी सी शुगर और 1.5 से 1.5 टेबल स्पून मैं केचप डाल रही हूँ, और इसको भी हम बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और आप देख सकते हैं हमारा जो पिज़्ज़ा सॉस है वो बहुत ही अच्छे से थिक हो चुका है, उसका कलर भी डिफरेंट होने लग गया है और बहुत ही अच्छे से कुक भी हो चुका है। पर इसको बस मैं 1 मिनट और इसको ढक करके कुक कर लूँगी जब तक ये थोड़ा सा ऑयल रिलीज़ नहीं कर देता है। तो ये देखिए मैंने इसको अच्छे से कुक कर लिया है और हल्का हल्का सा इसमें ऑयल्स भी रिलीज़ करना शुरू कर दिया है। तो ये परफेक्टली हमारा जो है पिज़्ज़ा सॉस वो रेडी हो चुका है। आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा सा कलर आ चुका है और कितना थिक हो चुका है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। ऐसा थिक थिक पिज़्ज़ा सॉस ही अच्छा लगता है। तो ये देखिए मैं आपको इसको कंसिस्टेंसी दिखाती हूँ, कुछ इस तरह का पिज़्ज़ा सॉस बना है। तो इसको मैं निकाल लूँगी एक बाउल में और इसको हम थोड़ा सा रूम टेम्परेचर पर ठंडा कर लेंगे। तो यहाँ पर हम बना रहे हैं पिज़्ज़ा कढ़ाई में, तो इसलिए यहाँ पर मैंने ले ली है एक कढ़ाई और उसमें मैं डाली हूँ नमक। अगर आपके पास नमक यूज़ नहीं करना चाहते तो आप प्लेन कढ़ाई भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये नमक मैं ऑलरेडी बहुत बार इसी तरह से यूज़ कर चुकी हूँ। जब नमक ठंडा हो जाता है तो आप फिर से इसको भर करके रख दीजिए और फिर से आप वही नमक सेम बेकिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इस तरह का जो स्टैंड आता है वो रख देती हूँ और इसको हम ढक करके हाई फ्लेम पे प्रीहीट करने रख देते हैं 10-1 मिनट, जब तक कि हम पिज़्ज़ा हमारा रेडी कर लेते हैं। तो यहाँ पे पिज़्ज़ा डो भी हमारा परफेक्टली सेट हो चुका है। थोड़ा सा मैं ऑयल लेके इसको हल्का सा नीड कर लूँगी, इसको स्मूथ कर लेंगे हम। ये देख सकते हैं बहुत ही अच्छा सा लचीलापन आ चुका है हमारे आटे में, एकदम सॉफ्ट डो रेडी हो चुका है। तो अब हम इस का बनाएंगे पिज़्ज़ा। तो यहाँ पे इतने आटे में से मेरे मीडियम साइज़ के 4 पिज़्ज़ा बन गए थे, तो उस हिसाब से आप अपने पिज़्ज़ा का डो लगा सकते हैं। और ये देखिए हल्का सा प्रेस करने पे ये फिर से आ रहा है, तो इसी
तरह का हमें पिज़्ज़ा डो चाहिए। तो यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ सूजी, ताकि हमारा जो पिज़्ज़ा है वो नीचे से बहुत ही अच्छा सा क्रिस्पीनेस दे। अगर आपके पास मक्के का आटा है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, पर मक्के का आटा हमेशा हर एक के पास घर में अवेलेबल नहीं होता है, इसलिए मैं इस बार यहाँ पर सूजी का यूज़ करके उसका पिज़्ज़ा बना रही हूँ। तो इस तरह से आपको जितना बड़ा पिज़्ज़ा चाहिए उसकी लोई ले लीजिए, और इस तरह से हम सूजी से ही बेलेंगे ताकि नीचे स्टिक भी ना हो और बहुत ही अच्छा सा क्रिस्पीनेस भी आए। तो यहाँ पे मैं एक मीडियम थिक साइज़ का पिज़्ज़ा बेल लूँगी, कुछ इस तरह से हमें हल्के हल्के से बेलना है, और थोड़ी थोड़ी आप सूजी भी लगा सकते हैं कुछ इस तरह से। देखिए बहुत ही आसानी से हम बेल सकते हैं इसको, और यहाँ पे मैंने बेल करके रेडी कर लिया है और इस थिकनेस का रखा है। ये थोड़ा सा फूलेगा, बहुत ज़्यादा नहीं। तो यहाँ पे मैंने ले ली है एक नॉर्मल स्टील की प्लेट, हम कढ़ाई में बना रहे हैं तो हम स्टील की प्लेट यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं उसमें अच्छे से ये पिज़्ज़ा जो है बेस वो इसको स्टिक कर लूँगी, और अब हमें पिज़्ज़ा बेस को बहुत ज़्यादा फुलाना नहीं है, इसलिए मैं इसको कर रही हूँ प्रिक। बहुत ज़्यादा फुलाएंगे तो वो नरम रह जाएगा और बिल्कुल भी क्रिस्पी नहीं बनेगा, और पिज़्ज़ा हमेशा थोड़ा सा नीचे से क्रिस्पी ही अच्छा लगता है। तो इसीलिए यहाँ पे मैं इसको अच्छे से फोक से प्रिक कर लूँगी, और अच्छे से प्रिक करने के बाद मैं हमने जो पिज़्ज़ा सॉस रेडी किया था वो मैं इसमें अप्लाई कर लूँगी, बहुत ही आसान तरीके से हमने जो बनाया है घर पे ही। तो ये देखिए ये पिज़्ज़ा सॉस ठंडे होने के बाद में और थोड़ा गाढ़ा हो जाता है। तो अब मैं यहाँ पे पिज़्ज़ा सॉस को अच्छे से इस पर स्प्रेड कर लूँगी, हम चारों तरफ पूरी तरफ अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे, थोड़ा सा ज़्यादा लगाएंगे तो और ज़्यादा टेस्ट आएगा, इसलिए मैं अच्छे से इसका एक थिक लेयर बना रही हूँ। और पिज़्ज़ा सॉस अच्छे से स्प्रेड करने के बाद में अब मैं इसमें डाल रही हूँ चीज़। तो यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ प्रोसेस्ड चीज़, अगर आप मोज़रेला चीज़ यूज़ करना चाहते हैं तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो बहुत सारा चीज़ डालिए, बच्चों को अगर दे रहे हैं तो जितना चीज़ देंगे उतना कम है। तो यहाँ पर मैं इस पर अच्छे से चीज़ स्प्रिंकल कर लेती हूँ, और उसके बाद में मैं यहाँ पर कैप्सिकम, ओनियन और टोमेटो की स्लाइसिस जो मैंने काट करके रखी थी उसको अच्छे से डेकोरेट करके उस पर रख रही हूँ। आपके पास जो भी टॉपिंग्स अवेलेबल है आप वो रख सकते हैं, आप ऑलिव्स रख सकते हैं, जो भी आपके पास अवेलेबल है वो रख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं बेसिक से जो इंग्रेडिएंट्स है उसी से बना रही हूँ, तो इसलिए टोमेटो, कैप्सिकम, ओनियन के स्लाइसेस रख रही हूँ। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ पिज़्ज़ा सीजनिंग। तो यहाँ पर मैं यहाँ पर ये वाला पिज़्ज़ा सीजनिंग यूज़ कर रही हूँ, आपके पास जो भी अवेलेबल है आप वो यूज़ कर सकते हैं, अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो आप ओरिगानो और चिली फ्लेक्स भी यूज़ कर सकते हैं। तो अच्छे से पिज़्ज़ा सीजनिंग डाल दिया है, हमारी प्लेट हो गई है रेडी। तो अब मैं इसको रख दूँगी प्री हीट, जो हमने कढ़ाई करी थी वो बहुत अच्छे से गर्म हो चुकी, थोड़ा धीरे से आराम से रख लीजिए, बहुत ज़्यादा गर्म होती है कढ़ाई। और इसको हम ढक करके मीडियम फ्लेम पे, लो टू मीडियम फ्लेम पे 15 से 20 मिनट मैक्सिमम लगता है, उतना ही 10 से 15 मिनट बाद आप एक बार चेक कर लीजिए। तो ये देखिए मेरा 15 से 20 मिनट के अंदर पिज़्ज़ा परफेक्टली रेडी हो चुका था। आप देख सकेंगे कि उसकी साइड्स जो है किनार वो हल्की हल्की सी ब्राउन होने लग जाएगी, और जो पिज़्ज़ा है ऊपर का चीज़ जो है वो बहुत ही अच्छे से मेल्ट हो जाएगा। तो ये देखिए हमारा बहुत ही टेस्टी ऐसा चीज़ पिज़्ज़ा रेडी हो चुका है, वो भी कढ़ाई में। और ये देखिए हमारा जो बेस है वो बहुत ही अच्छे से नीचे से क्रिस्पी और एकदम जालीदार फ्लफी बना है। तो आप इस रेसिपी को इस लॉकडाउन में ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को। थैंक यू।